28 सालों में शायद ही कोई दिन होगा जब मैंने इस पल के बारे में सोचा ना हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जेबीसी ब्रेकिंग में। एक बार फिर से बात करेंगे कल की मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में, वही बात करेंगे औरों में कहां दम था, इस फिल्म ने कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया, और वही बात करेंगे उलझ मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जानेंगे कि इन तीनों मूवियों ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया, और साथ ही साथ इन तीनों मूवियों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर, और वहीं पब्लिक रिव्यू इन तीनों मूवियों को कैसा मिल रहा है, और ऑडियंस इन तीनों मूवियों को कितना ज़्यादा पसंद कर रही है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं दिग्थ्री का पूरा वीडियो। दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की मूवी की। तो डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की मूवी, जिस मूवी को 27 जून 2024 में ही रिलीज किया गया, जी हाँ दोस्तों, जो कि 27 जून के दिन कल की मूवी ने सिनेमा घरों में एक नया क्रेज और बज बनाया, और वहीं सिनेमा घरों में जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कि कल की मूवी के चर्चे थे, और वहीं कल की मूवी के कलेक्शन के भी बहुत ही ज़्यादा चर्चे हुए। आप लोगों को बताया चले कि कल की मूवी जो कि एक विज्ञान कथा फिल्म है, इस फिल्म में आप लोगों को भरपूर VFX देखने को मिलने वाला है, वहीं भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। डार्लिंग प्रभास आप लोगों को हंसाते हुए, और वहीं आप लोगों को जो कि एक्शन करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को पता ही चले कि डार्लिंग प्रभास का कैरेक्टर बहुत ही जोरदार रहा है, और वहीं दो के दूसरा कैरेक्टर असुथामा यानी कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। आप लोगों को बताया चले कि महाभारत से थोड़ा सा सीन लिया गया है, असुथामा को किस तरीके से श्री कृष्ण भगवान ने श्राप दिया, क्यों दिया, ये सब बताया गया है, और वो अभी तक जो कि पृथ्वी पर जिंदा है तो किस लिए है। मतलब कल की मूवी देखने के बाद ये जो कि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कल की मूवी किस बेस पर आधारित है, और वही कल की मूवी को जो कि नाग अश्विन ने किस तरीके से बनाया है, और क्या उनके विजुअल्स हैं, और वहीं उनकी अगली फिल्म यानी कि कल की मूवी का पार्ट दूसरा जब आएगा तो कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं आप लोगों को बताया चले कि कमल हसन इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिले हैं। कमल हसन हालांकि विलन किरदार निभा रहे हैं, और वहीं कमल हसन विलन किरदार में बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जोरदार लग रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अभी जो कि कमल हसन को जो कि थोड़ा सा दिखाया गया जो कि वो कमज़ोर दिख रहे थे, लेकिन आप लोगों को पता चले कि दूसरे पार्ट में कमल हसन बहुत ही डेडली लुक में आने वाले हैं। वहीं आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में दुलकर सलमान की भी एक झलक देखने को मिली, और वहीं दिशा पटानी की भी एक झलक देखने को मिली। आप लोगों को बता दें कि दिशा पटानी के अपोजिट जो कि आप लोगों को बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से एक्शन करते हुए नज़र तो आ ही रही हैं, लेकिन उनके अपोजिट और भी कैरेक्टर हो सकते हैं, और वहीं प्रभास के अपोजिट है दिशा पटानी। आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म में जो कि अमिताभ बच्चन, प्रभास और वहीं दीपिका पादुकोण जो कि सुर्खियों में बनी रही हैं, और वहीं दोस्तों इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर, और वहीं सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 93 करोड़ 3 लाख रुपए का कारोबार किया, दूसरे दिन 59 करोड़ 3 लाख रुपए का कारोबार किया, तीसरे दिन 66 करोड़ 2 लाख रुपए का कारोबार किया, चौथे दिन 88 करोड़ 2 लाख रुपए का कारोबार करके सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और ऑडियंस का दिल जीता। इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर जो कि 650 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है और सारे हेटर्स की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों अगर आप लोगों ने डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की मूवी देखी है तो आप लोगों को डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बात करें आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आज के दिन भी यह फिल्म 1 से 2 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है और एक नया क्रेज बस बना रही है ऑडियंस के बीच में। दोस्तों आप लोगों को सबसे जोरदार और शानदार कैरेक्टर किसका लगा कल की मूवी में, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और आज के दिन यह क्या 1 से 2 करोड़ रुपए का कारोबार कर पाएगी नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। वही बात कर लेते हैं दूसरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों दूसरी मूवी है औरों में कहां दम था।
जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन स्टार फिल्म औरों में कहां दम था इस मूवी को 2 अगस्त 2024 में ही रिलीज किया गया। आप लोगों को बताइए चले कि औरों में कहां दम था मूवी ने जो कि 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए हैं और आज इस फिल्म का 4th दिन है। औरों में कहां दम था एक हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और वहीं इस फिल्म को जो कि निर्देश किया है नीरज पांडे ने। आप लोगों को बताया चले कि नीरज पांडे की फिल्में जो कि बहुत ही यूनिक रहती है, बहुत ही हटके रहती है, वैसे ही औरों में कहां दम था यह फिल्म जो कि आप लोगों को इस फिल्म में रोमांस और वहीं एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। अजय देवगन की हर फिल्मों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है ऑडियंस की तरफ से और ऑडियंस इनकी हर फिल्मों को देखना पसंद करती है क्योंकि इनकी हर फिल्मों में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। इसी कारण ऑडियंस इनकी हर फिल्मों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाती है। दोस्तों बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हालांकि औरों में कहां दम था इतना कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 1,85,00,000 रुपये का कारोबार किया। दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन इस फिल्म ने 1,46,00,000 रुपये का कारोबार किया, वहीं जो कि तीसरे दिन इस फिल्म ने 2,75,00,000 रुपये का कारोबार किया। दोस्तों आज इस फिल्म का 4th दिन है और वहीं 4th दिन यह फिल्म कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया कारोबार कर रही है। दोस्तों औरों में कहां दम था अगर यह मूवी आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को अजय देवगन स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और वहीं दोस्तों औरों में कहां दम था आप लोगों को अजय देवगन का कैरेक्टर इसमें कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वहीं बात कर लेते हैं तीसरी मूवी के बारे में। तो दोस्तों दो की तीसरी मूवी है उलझन, जानवी कपूर स्टारर फिल्म उलझन मूवी, जिस मूवी को जो कि 2 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। इस मूवी ने भी 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए हैं और इस मूवी को भी ऑडियंस की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। उलझन मूवी की बात करें तो हिंदी भाषा के एक जासूसी यानी कि जासूस थ्रिलर फिल्म है। जासूस हैं जो कि इस फिल्म में आप लोगों को बताइए चले कि जानवी कपूर और वहीं दोस्तों इस फिल्म को इसी कारण और भी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों को बताइए चले कि उलझन मूवी में आप लोगों को जानवी कपूर, गुलशन, रोशन, मैथ्यू और दोस्तों इसमें आदिल हुसैन नज़र आए हैं। उलझन मूवी एक जो कि आप लोगों को इस फिल्म में जो कि सस्पेंस भरी फिल्म है, इस फिल्म में एक्शन देखने को तो मिलेगा। जानवी कपूर ने जोरदार एक्शन किया है और वहीं जानवी कपूर की बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग की तारीफ भी हो रही है। वहीं दोस्तों आप लोगों को बताइए चले कि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 1,15,00,000 रुपये का कारोबार किया। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने 1,75,00,000 रुपये का कारोबार किया। वहीं तीसरे दिन की बात करें तो इस फिल्म ने तीसरे दिन 2 करोड़ रुपया का कारोबार किया। और वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो कि 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल जो कि 4,90,00,000 रुपया का हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि उलझन मूवी एक दमदार मूवी है लेकिन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। अगर आप लोगों ने जो कि जानवी कपूर की फिल्म उलझन मूवी देखी तो आप लोगों को किसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।